शवाल के चांद के हवाले से बात करेंगे इस्लामाबाद में जियो न्यूज के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ क्या ताजा तरीन खबर है? जी ताजा तरीन खबर यह है कि मरकजी रुवत हिलाल कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्क भर से जो कुछ शातें मौसूल हुई थी वो दुरुस्त हैं और कल यकम शवाल है और कल पाकिस्तान में ईद उल फित्र मनाई जाएगी। हमारे इंतहाई मुस्तनद जो जराए हैं कमेटी के अंदर उन्होंने बताया कि वो इस बात के ऊपर साइन कर चुके हैं कमेटी के फैसले के ऊपर जिसके मुताबिक कल पाकिस्तान में ईद उल फित्र मनाई जाएगी और कल यकम शवाल होगी। जी आसिफ बशीर चौधरी जियो न्यूज के नुमाइंदे इस्लामाबाद से यह खबर दे रहे हैं कि रोहित हिलाल कमेटी में शामिल अफराद सरबरा समेत इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो शहादतें मौसूल हुई हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से उनकी बुनियाद पर इस बात का फैसला किया गया है कि कल पाकिस्तान में ईद उल फितर होगी। जुमेरात को पाकिस्तान में ईद उल फितर होगी। चांद की शहादतों को दुरुस्त करार दिया गया है और इसी के अल्लाह का एहसान और रमजान की इबादत का इनाम, मिठास और खुशियों से भरी मीठी ईद। हर मुसलमान मना रहा है खुशियाँ। चार सू है बिखरे रंग ईद उल फितर के, मगर रखना है समाजी फासला। गले मिलने से या हाथ मिलाने से करनी है एहतियात। तफरी के लिए नहीं निकलना घर से बाहर। लाजमी करना है मास्क का इस्तेमाल। तो ईद उल फितर पर खुशियाँ और एहतियात साथ साथ साथ, क्योंकि आप महफूज तो सब महफूज। ईद मुबारक। क्या बात, कमाल हो गया। लेकिन ये खबर पहले तो सुना सकते हैं। मेरी तरफ से चांद रात मुबारक। हाँ जी, तो मेरी तरफ से सबको हंगामी चांद रात मुबारक हो। और मेरा जो मेन ड्रेस था उसने आना था कल, और मेहंदी भी नहीं लगाई, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं।